हरि राम राम और शरण राम। आप सबके पावन चरणारविंद में श्री राम में सब दानी करहु प्रणाम जोरी जो वाणी की भाव के साथ सत सत नमन। जय बजरंग मानस परिवार अहिवारा जिला दुर्ग से करता आप हम और आप मिलकर के मानसिक रूप से रावण के पावन प्रांगण में बैठ करके मानसिक रूप से तीर्थराज की मानस यात्रा करण जहां संत समाज इकट्ठा होकर के ब्रह्म के गुण ब्रह्म के निरूपण धर्म के साथ तत्व के विभाग ज्ञान वैराग्य और मानव देह पाए के सदुपयोग करे के विचार करे जाते उपदेश करे जाते कथा कहे जाते। आप सबसे निवेदन कि हम सब के लिए पावन गांव बंदारी धाम रावा फाटक पावन प्रांगण में त्रिदिवसीय सत्सर मानस दान प्रतियोगिता के आयोजन जेकर माध्यम से हम सब भी जीवन ला पावन करे के सौभाग्य आपके द्वारा मिले हुए है। ये मानव देह क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व अधम शरीरा बड़ भाग मानुस्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये देह अधम है और यही देह बड़ भाग से मिले हुए अधम होइस और बड़ भाग से कब मिली ये दोनों के तुलना करे के लिए ये मंच के माध्यम से ये पंच तत्व रचित शरीर अधम कब है और यही अधम शरीर बड़ भाग्य से सौभाग्य से कैसे मिलते एक ऊपर चर्चा करेंगे। आओ सबला पुनः स्नेह आमंत्रण तीर्थराज प्रयाग में जाकर के भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर के ब्रह्म के कथा सुने के प्रयास करें। आओ स्नेह आमंत्रण Thank you.
शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ब्रह्मनिरूपणधर्मविधि वर्णहिततत्वविभाग कहि भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग संयुत ज्ञान विराग सच्चिदानंदानंद कंदन भगवान की जय। परम सौभाग्य जय भद्रंग मानस मंडली अहिवारा जिला दुर्ग के आज आप सबों के दर्शन लाभ करी के परम सौभाग्य आपके माध्यम से राम कथा रसपान करी के परम सौभाग्य अभिनंदन करत हो मैं जम्मू श्यान मन की अभिनंदन करत हो मैं राम रसिक भैया मन के अभिनंदन करत हो मैं युवा साथी मन के अभिनंदन करत हो मैं गांव के नन्हे नन्हे बाल गोपाल के अभिनंदन करत हो मैं श्याम दाई के अभिनंदन करत हो मैं बहिनी मन के अभिनंदन करत हूँ युवती मन के अभिनंदन करत हूँ नान नान छोटी छोटी बच्ची मन के अभिनंदन करत हूँ मैं त्रिदिवसीय सत्सर मानस गान प्रतियोगिता के गुण और दोष के आधार पर दूध के दूध और पानी के पानी निर्णायक की भूमिका के निर्वहन करते हुए महती आसंदी में विराजमान परम आदरणीय परम सम्माननीय ठोकेलाल देवांगन जी गुरुदेव के परम आदरणीय परम सम्माननीय राम स्वरूप शाहू भैया जी के अभिनंदन करत हूँ द्वारिका भाई के अभिनंदन करत हूँ उद्घोषक भाई के अभिनंदन करत हूँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धर्म यज्ञ ला रचे के लिए जिन सहयोग करी हुई है अभिनंदन करत हूँ जैसा शरीर यहाँ ना आकर के भी राम कथा के रसी कहे मैं आप सबों के मंगल में जीवन की कामना करते हुए आप सब ला सादर आमंत्रण संप्रेषित करता हूँ ले चलता हूँ मैं है प्रयागराज जहाँ भरद्वाज जी के आश्रम सब ऋषि मुनि साधु संत भरद्वाज जी के आश्रम में आए हुए हैं भरद्वाज जी के आश्रम में आकर के ब्रह्म के निरूपण धर्म के विधि वर्णत वर्णत तत्व के कौन कौन से विभाग है कहां ही भगति के बारे में भगवंत के बारे में और ज्ञान वैराग्य के बारे में विस्तार से चर्चा हुआ थे। आओ हम और आप देखें तो ये निश्चित रूप से अभी रावा भाटा के ए पावन भूया तीर्थराज प्रयाग हो चुके हैं जहां त्रिवेणी संगम जहां माँ सरस्वती माँ यमुना माँ गंगा जी तीनों के मिलन जिला हम त्रिवेणी की था यहां कथा के माध्यम से सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा माँ सरस्वती की पावन जल कर्म कथा रविनंदनी वर्णी कर्म प्रधान कथा जिन यमुना जी के प्रति पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा कथा ही पावन गंगा की भांति माने यहाँ ये कथा जो है सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा माँ सरस्वती के रूप में ज्ञान की गंगा प्रवाहित हुआ थे कर्म कथा रविनंदनी वर्णी कर्म प्रधान नदी यमुना जी प्रवाहित हुआ थे फिर भगवान शंकर माता पार्वती से कहे थे कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा राम की कथा ही गंगा है ये सरस्वती नदी की भांति
ये यमुना नदी की भांति और ये गंगा नदी की भांति, तीनों के धार यहीं पर आकर के मिले हुए हैं। और जो तीनों धार मिलते वही स्थान कहे जाते त्रिवेणी संगम। अब त्रिवेणी संगम प्रयागराज में भरत जी के आश्रम, जहां ऋषि मुनिमन आए हुए हैं। रामचरितमानस में कथा के मुख्य रूप से चार वक्ता और चार भाग, महादेव गिरिजापति, याज्ञवल्क भरद्वाज, काग भसुंड गरुड़पति, तुलसी सहित समाज, माँ पार्वती का कथा भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठ करके ज्ञान घाट, यहाँ याज्ञवल्क जी भरद्वाज मुनिला जिन कर्म की कथा, गरुड़ जी लकाग भसुण जी जो कथा सुनी भक्ति की कथा, तुलसीदास जी महाराज एक ऐसा घाट में बैठे जी हाँ पचरी नहीं लगी है, न ज्ञान की पचरी है, न कर्म की पचरी है और न ही भक्ति की पचरी है। तरियाला बांधे जाते तो तीन तरफ से इसे पचरी बांधे जाते, एक तरफ लग खुल्ला छोड़ दे जाते, कोनो कोनो पुस्ते होते खुल्ला काबर छोड़ते, एकर से तीगा उतिर ना जे जवनहा होते जेखर में ताकत होते ते मन उतर जाते, काबर की काई रचे थे तो कभी कभी फिसलते भी, और एतिर खुल्ला छोड़ते तेतिर सियनहा सियनहिन मन उतरते, एतिर असमर्थ मन उतरते, एतिर गर्वा गाय मन उतरते, जिन ज्ञान नहीं जाना है, कर्म नहीं जाना है, भक्ति नहीं जाना है, वह मन एक घाट में उतर के जल के रसा स्वादन कर लेते, देखर सती एक घाट में खुला छोड़ दो। तुलसीदास जी महाराज वैष्णव घाट में बैठे हुए हैं, अब वैष्णव घाट में बैठ करके मानसिक रूप से सब ले जाता, जहां जहां की कथा है वहां वहां ले जाता। अभी अभी अमन 22 जनवरी के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया, भाई भाई रामलला के प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में हुई, फिर हमर रामवा में वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाए की क्या आवश्यकता नहीं से? एकर उत्तर अवी है कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास काट करके अयोध्या आए रही से, अयोध्या में दीपोत्सव मनाई गई से, अयोध्या में त्योहार मनाई गई से, लेकिन आज भी हमन काबर मना था? भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज गोवर्धन पर्वत ला वहां धारण करे रही से, लेकिन गोवर्धन पूजा और गोवर्धन त्योहार आज हम यहाँ काबर मना था? सबके पीछे एक ही कारण है, वो स्थान में मैं सशरीर नहीं पहुंच सका, वो समय में मैं नहीं रहे हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव मनाए जाते वहां मैं नहीं पहुंच सके हूं, वहां मोर में जाए के सामर्थ्य शक्ति नहीं है, लेकिन वही उत्सव यदि मोर गांव में कर ले हूं और मन से मैं ये सोचा कि मैं रावा में नहीं बल्कि अयोध्या में हूं, मैं गोवर्धन पूर्वा पूजा के वो पावन पर्व में अपना अपना शामिल करे हूं, लेकिन ये सोचो कि वो भगवान कृष्ण जिन वृंदावन में गोपी के ऊपर ग्वाल के ऊपर जब समस्या इस संकट इस गोवर्धन पहाड़ रभी अपन पंगली में उठा ली, स्मरण कर सन की भगवान मोर जीवन में वैसने ही कलह है, वैसने ही कष्ट है, वैसने ही दुख है, वैसने ही पीड़ा है, आओ गोवर्धन रूपी मोर समस्या ला आप धारण कर लो प्रभु, और आपके जो छत्र छाए उखड़ नीचे में मोला सुख मिल जाए, ये भाव वही भाव के साथ आप सब ला मानसिक रूप से मैं वही प्रयाग में प्रयागराज में ले चलता हूँ, जहाँ पर भरद्वाज के आसन में आकर के सब जो है कथा के रसपान करते, तो कौन से कथा के रसपान करते? ब्रह्म, एक शब्द हम समझेंगे, इला हम सही उच्चारण नहीं कर पा, ब्रह्म के धर्म, ब्रह्म ब्रह्माणी ब्राह्मण ब्रह्मा महा 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 ना ब्रह्म, हा पहली है ओकर बाद मैं है, ब्रह्म संधि विच्छेद करेंगे, ब्रह अहम, अहम माने मैं ही ब्रह्म हूं, सिय राम मैं सब जगदानी करहु प्रणाम जो जो पाए, ये संसार के कण कण में विद्यमान
ईश्वर तत्व, प्रश्न ये उठते कि कण कण में ईश्वर है, क्रम कण में ब्रह्म है, तो मंदिर जाए की क्या जरूरत, दिवाला जाए की जरूरत क्या जरूरत, वो पूजा कक्ष बनाए क्या जरूरत, जब कण कण में ही भगवान है तो सही तर्क है। तो महू की था साइकिल पंचर हो गए तो जगह जगह हवा हुआ बहुत है, वही जगह हवा सके लेती थी, साइकिल पंचर हो रहे थे मैं इसे भर देती, ट्रक के टायर पंचर हो गए हैं तो हवल सके लेते हैं भर देती है ना, 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 ना। एक निश्चित दुकान में जाए जाते, निश्चित यंत्र के माध्यम से हवा डाले जाते, उही प्रकार से ब्रह्म तो सर्वत्र है, सर्वत्र होते हुए में भी ब्रह्मला एक स्थान पर हम श्रद्धा विश्वास के साथ प्रतिष्ठापित करते ब्रह्म निरूपण। कोनो कहीं ब्रह्म जो है सगुण है, रूप है, कोई कही इसकी नाना निर्गुण है, उखर कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई उखर सकल सूरत नहीं है, कोई कही इसकी नाना भक्त जैसे जैसे वो लोग पुकारते, जिन जैसे पुकारते तैसे रूप में आ जाते, वह एक रूप नहीं है, अनेक रूप है। ये समझे कि थोड़ा सी आवश्यकता है, थोड़ा सी आवश्यकता है कि निर्गुण है ब्रह्म की सगुण है ब्रह्म, पानी और बर्फ, पानी और बर्फ, पानी भी बर्फ है और बर्फ ही पानी है, थोड़ा सा प्रक्रिया है, थोड़ा सा प्रक्रिया है भाई, बर्फ पिघल के आखिर का बनते पानी, अब पानी ला कहूं कटोरी में घर ला और वो फ्रीजर में कहूं रख दन फिर वो बर्फ बन जाते, पानी वही चे लेकिन फ्रीजर में रख दे तो बर्फ बन गए, अब बोला निकाल दे तो कटोरी बर्फ रहा, अब थोड़ा कम धूप में तो रख दे भला वो पिघल के पानी हो जाते। यह कि तात्पर्य यह है कि जो निर्गुण ब्रह्म है, श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के ये पात्र है, वो में यदि रख करके बोला जो आकार देना चाहता कटोरी में रखे रहे वो पानी ला तो कटोरी का आकार हो गया, गिलास में कहीं वही पानी रख देबो तो गिलास के आकार हो जाए, लोटम कहीं बोला रख देबो तो लोटा का आकार हो जाए, माने जौन पात्र में ओला रखेंगे वही आकार ला वो पानी जो है बर्फ के रूप में धारण कर लेते। उसी प्रकार से ब्रह्म के कोई रूप नहीं है, लेकिन हमर भाव हमर श्रद्धा हमर भक्ति जैन रूप में बोला पाना चाहते पात्र, पात्र यदि पात्रता है तो वो पात्रता के अनुसार हमला वो स्वरूप के दर्शन हो जाते। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, धर्म के चार पैर कहे गए, सत्य पवित्रता तप और दान। कलयुग में कहे गए ये तीन है नहीं है, न सत्य न पवित्रता न तप, एक ठीक रही के है दान, और दान दे न तभी मंच सजे है, दान दे आगु पीछे नहीं सोचना चाहिए। धर्म के एक एक पैर चार पैर के गए थे में एक ही पैर बचे हुए है, तो धर्म का ये धर्म लभी समझे के आवश्यकता है, धर्म का सिखाते तो कहते कि धर्म जो है हमला बीरति सिखाते, त्याग सिखाते, काला छोड़न काला धरन, काला खावन काला पियन, ये धर्म जो है हमरे मन पर होते, ये मंच जो है हमरे मन पर सचे है। आज तक ले हमर नहीं सुने कि गरुआ गाय पर कोनो जगह भागवत हुआ थे, आज तक ले नहीं सुने कि भैंसी भैंसा पर कोनो जगह मंदिर बने हैं, आज तक नहीं सुने कि वो कुकुर माकर पर कुछ वो जगह हुआ थे, जब का हुआ थे तब का हमरे मन पर हुआ थे। हमें मल धर्म की आवश्यकता है और सचमुच हमें मल धर्म की आवश्यकता है। अरे कुकुर बिलाई है जो उन लोग खाए वर उखर आदि अनादि से सिखाए है, वो वही चला खाते दूसरा चीज नहीं खाते। कुकुर कत को कम भूखा जही कांदिल नहीं खाए जी, गाय कत को भूखा जही वो घास मांस नहीं खाए, लेकिन हम चाहे भूखा रह चंचन भूखा रह जो उन लोग पावे तो उन लोग खा देते। धर्म हमर मन पर आवश्यकता है और ये धर्म मंच हमर मन के जीवन में हमर मन के लिए आवश्यकता है। कहीं भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग एकर ऊपर पुनः चर्चा करबो और एक छोटे से भजन के पश्चात पुनः आप पाऊ हम जुड़े के प्रयास करेंगे। अपना मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। सियावर राम चंद्र शंकर।
भजन रही रवि भाग हो रहा
संयुत ज्ञान विराम। तुलसीदास जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में हम सब लोग मानसिक रूप से लेकर के चले गए। वहां ऋषि मुनि संत आपस में कौन से विषय में चर्चा कर रहे हैं? स्वाभाविक है, किसान मिलते तो किसानी के बात चलती, गुरुजी मन मिलते थे तो कर्मण के शिक्षा विभाग के बाद चल थे। सबके अपन अपन एक विभाग होते, एक विषय होते, वो विषय के ऊपर चर्चा होते। सब आपस में जब मेल मुलाकात होते तो अपन अपन समाज में वो इकट्ठा भी हो जाते। किसान अपन तरफ, युवा अपन तरफ, गुरुजी मन अपन तरफ, और जो कंपनी में नियुक्त है वो मन अलग, सबके अलग अलग समाज होते थे। और वो समाज में ओखर जीवन या जीव को पार्दन से संबंधित चर्चा होती है। लेकिन जब संत और ऋषि मुनि मन मिलते तो ओखर मन के बीच में कौन से चर्चा होते है? भाई संत जब मिली तो निश्चित रूप से राम कथा ही हुई, धर्म कथा ही हुई, उखर अलावा कोई दूसरा कथा हो नहीं सकता। लेकिन एक विडम्बना जरूर देखे बार मिलते हमला समाज में कि जिला हमन संत कैथन या जिला हमन अच्छा व्यक्ति कैथन, गुणवान कैथन, उमन में एक बहुत बड़ बुराई है। और जिला हमन पूरा कैथन, चाहे जुआड़ी हो, चाहे शराबी हो, चाहे चूरा हो, चाहे लबरा हो, इखर मन के में एक अच्छाई देखे बर मिलते थे, इमें एक बुराई देखे बर मिलते थे, इमें एक अच्छाई देखे बर मिलते थे। अब ये चूरा लबरा में महाराज का अच्छाई रहा तो ही, शराबी मन में का अच्छाई रहा तो ही, अब ये संत मन में बुराई की था। हाँ, अब एक तो दृष्टांत से मैं पूरा करता हूँ। एक जन सेठ के यहाँ दो जन संत मन पहुंचे और ठौका खाए बेरघल हो गया रहा है। तो थोड़ा से भक्त रही से धार्मिक प्रवृत्ति रही सेठ है, कहते कि महाराज भोजन ग्रहण कर लेते तो अति उत्तम होती। वह मन कहते कि हाँ समय तो हो गए है, कोई भक्त देखत रहे हैं, आप यहाँ कर ले तो स्नान, नहीं नहीं स्नान की व्यवस्था, स्नान कर लो। तो एक ओमे के जो संत रहते स्नान के लिए गए, दूसरा बैठे है सेठ सर। तो सेठ है वो कौन से विषय में चर्चा करे तो कहते कि ऐसे लगते संत महात्मा हो, आप मन पहुंचे हो तो ऐसे लगते पहुंचे हुए हो, बड़े ज्ञानी पुरुष लगता हो। हाँ बोलते ये तो है,
सब घूमे फिरे हैं सब सब सब। तो आपके साथी भी आपके जैसे ज्ञानी हो ही नाना हाँ वो तो घोड़ा है घोड़ा बोला तो संग में ले चला था ठीक वो संत जो है स्नान करके ऐस अब ये जेखर संग चर्चा चलत रही तेन संत के पारी ऐस वो किस नहाए बर अब वो नहाए बर के तेन बैठे हैं तो सेठ है वो करो से ही चर्चा करते महाराज आप मन तो पहुंचे लगता हो बड़ा ज्ञानी लगता हो निश्चित रूप से आप मन सब कुछ ज्ञान वैराग भक्ति के बारे में मालूम है हाँ हाँ बोलते वो तो बिल्कुल तो आपके मित्र भी इसने अरे वो कहाँ वो तो बैला है बैला बोला मैं ले चला था संग में ठीक ठीक भोजन की तैयारी हो गई वो तरफ से खबर आ गई लग गए वो खरमन के आसन पानी वानी सब आ गया लेकिन बड़ा विचित्र टाइप के भोजन दी जिन बैला संतरी ही से तेखर जगह कांदिल डाल दी जिन घोड़ा संतरी तेखर जगह भूछल डाल दी वो मन दुलुक दुलुक बगिया गए कि थे ये कहा हमर मन के घोर अपमान है कि थे अरे खाना नहीं खिला सकस तो मत खिला सकस लेकिन यह कांदिल देवत हस या भूछल देवत हस महाराज तू ही मन तो बच्चा दे रहे हो ये लग घोड़ा कह रहे तब घोड़ा भूसा खाते कि घुसल दे हो ये लग बैला की कह रहे हो तो बैला कांदी खाते तेकर से कांदी दे रहे हो तू ही मन परिचय दे रहे हो कहे के तात्पर्य ये है कि संत मन संगठित नहीं हो सका है और ए मन एकदम संगठित हमन स्कूल में गुरु जी हैं एक जन नहीं भागा बेचारा मन भागते था संगवारी चले के भागते हो मन भगना लिखा मन अकेला कभू नहीं भागा वो भाग ही ना तो संगवारी धर के भाग थे तो बड़ा बड़ा इच्छा होती कि आखिर संगवारी लेके काबर की तो पता लगते कि नहीं नहीं माने गाड़ी खाओ तो मही भर झन खाओ मोर संग में और दू झन गाड़ी खाए माने जोरहा लबरा या जुआड़ी के जो संगठन है वो में ये है कि यदि कहीं सजा मिलत है दंड मिलत है और यदि कोई प्रताड़ना मिलत है तो सिर्फ मूला भर मत मिले मोर संगवारी भी मिले लेकिन संत में एक गुण होते कि प्रशंसा हुआ तो सिर्फ मोर हुआ है मोर संगवारी के जन हुआ है यही बात आज धर्म की चर्चा संत मन करते हैं हम सबके लिए करना चाहते हम सबके लिए उद्धार करना चाहते बात एक ठीक हुआ था हर साल इसने रामायण होते वो वो जगह जगह रामायण होते एक से का मिलत हुई का हुआ तो ही ये भी एक छोटे से उदाहरण से मैं समझा देता हूँ फल फल लेबर में कभू कभू शहर जाऊं तो देखा का पानी नहीं से बाल्टीन धर रही से छींचा हूँ मैं छींचा साग भाजी वाले मैं देख देते हूँ मैं छींचे इसे छींचे तो मोला कुछ दिन के बाद में समझ में इसके उनमें घुर्रा उड़ा रहा हुई तेल धोत हुई की के तो बाल्टी में से चिभोर के नहीं धो देती इसे थी की के वैसे नहीं धोया वो मैंने वैसे नहीं छीछे वो छीछे अब वो कावर छीछे तेल बहुत बाद में मुझे समझ में आई एक जना मैं भाव पूछे बाबा गोभी का भाव है की के ताजा है बाबू की थे अब बाबा टमाटर है ताजा है बाबू की थे अब सेमी है ताजा है बाबू की थे जे जेखर भी मैं भाव पूछा ओकर मुंह खाली ताजा है ताजा है ताजा है एक जन ओकर पहचान के भी पहुंच गए वो पूछते भैया औ भौजी का हाल चाल है जे मन मुस्कुरावत थे मन समझ गए के एक तात्पर्य ये है कि पानी छींचे से कब के टोड़े है भाटा ला कब के टोड़े है गोभी ला कब के टोड़े है टमाटर ला अब वो पेड़ ले टोड़ दिए पानी मर गए उहुल पानी छींच के वो ताजा कर सका थे तो हमन तो जिया था ये राम कथा रूपी गंगा जल छिड़क करके ताजा नहीं करे सकते का ताली बजावा चलो तो ये हमला तरोताजा करे के लिए धर्म के प्रति जागृत करे के लिए सब आयोजन करे जाते कहीं भक्ति भगवान तके भक्ति के रास्ता बतावा थे कि भक्ति का काया है भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा सबरी आश्रम में जाकर के माता सबरी ला भी नौधा भक्ति सिखाई नौधा भक्ति बताई और नौधा भक्ति में पहला भक्ति का कही कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूजे रतिमम कथा प्रसंगा बस ये दुए ठीक ला सीख जाओ पहला सत्संग जिन हम आ पाए हुए हैं
ये भगवान के प्राप्ति के लिए पहला भक्ति हो गया। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कथा सिर्फ सुनना नहीं, रति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए कथा में, कथा में विश्वास होना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। हम तर्क वितर्क बहुत करते हैं, तर्क वितर्क नहीं, श्रद्धा के साथ, स्नेह के साथ, प्रेम के साथ कथा में मन लगना चाहिए। ये दूसरे प्रकार की भक्ति। आगे भगवान कहते कि नौमहु एकौ, नौ में से एक भक्ति भी तो जीवन में आगे तो तोला में मिल गयो, कहां ही भगति भगवंत के। यही भक्ति का कैसे कैसे भक्ति हो सकत है। गुरु के पूजा करबे, गुरु की सेवा करबे, वो भक्ति है। बड़े मन के आदर करबे, सम्मान करबे, आज्ञा के पालन करबे, वो भक्ति छे। ससुर सास के सेवा करबे, वो भक्ति छे। पति के सेवा करबे, वो भक्ति छे। सब ये भक्ति ही है, और ये भक्ति में ही भगवान जो है प्रसन्न होते। आओ, ज्ञान वैराग्य संयुक्त, और वो मन ज्ञान का चीजें वैराग्य का है, एला भी संयोग करके आपस में चर्चा करते हैं। ज्ञान के मार्ग से बहुत कठिनाई से भगवान की प्राप्ति हो सकते है, वैराग्य के मार्ग से बहुत कठिनाई से भगवान की प्राप्ति हो सकते है, लेकिन ऐसे सहज और सरल जो मार्ग है वो भक्ति के मार्ग है, जिन मार्ग से अपन आए हुए हैं। आप मन के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। हम सबके जीवन में धर्म संचरित हो, यही भाव के साथ, पीली बत्ती के संकेत के साथ मैं अपन वाणी रविराम देवता हूँ, और एक छोटे से भजन के साथ हम आपसे विदा। जो दिल माही तेज है, जो चकमक में तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जा। सारे Oh,
जोरदार ताली के साथ समाज दीजिएगा। अभी बहुत ही मार्मिक और गहन प्रसंग को हम सभी के सामने ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णही तत्व विभाग ऐसे पावन प्रसंगों को अध्यात्म चिंतन कर रहे थे और ऐसे अध्यात्म चिंतन करने वाले आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र झा के द्वारा बहुत ही मार्मिक चिंतन प्रसंग को गहन करने का सौभाग्य मिल रहा था, लेकिन क्या करें, समय का अभाव है और यहाँ पर कार्यक्रम थोड़ा विलंब से शुरू हुआ है, इसलिए ज्यादा समय ना दे पा रहे हैं। इसके लिए आप सभी से खेद है और आपके इस वचन को जितना भी कहे तो कम है। किसी संतों ने अच्छी बात कही है, सुनो ऐसे वतन, सुनो ऐसे वचन, मान और स्वाभिमान बने। देखो आजाद वतन गांधी का भारत देश महान बने। करो सर्वस्व अर्पण तन मन भन को देश की शान बने। और करो ऐसे कर्म कि तुम्हारी अलग ही पहचान बने, तुम्हारी अलग ही पहचान बने। ऐसे हम सभी को रसपान करा रहे थे। साथ ही इनसे पूर्व में सादर आमंत्रण प्रेषित कर दूं, हे शारदे बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कबीर धाम की बहनों को। बहनों यह मंचन समय आपका है और स्नेह स्नेह राम दरबार की ओर अग्रसर होने की दया करेंगे। हे शारदे बालिका मानस परिवार रंजीतपुर धौरा भाठा जिला कबीर धाम कवर्धा के आदरणीय बहनों को और लीजिएगा। हम अभी पा रहे थे हमारे बीच जय बजरंग मानस परिवार अहिवारा वार्ड नंबर 3 जिला दुर्ग के आदरणीय संत जनों को और इनके सह सम्मान विदाई हेतु मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करना करने जा रहा हूँ। श्री युगल प्रसाद साहू जी, साथ ही छविराम साहू जी आइएगा, सुकुल प्रसाद साहू जी, साथ ही छविराम साहू जी आइए। संतों आप सभी के माध्यम से सादर विदाई होना है और हम सभी को प्रदान कर रहे हैं, आयोजक समिति को प्रदान करते हैं आदरणीय सुकुल प्रसाद साहू जी की ओर से 1501 रुपया, साथ ही श्री छविराम साहू की ओर से 1001 रुपये की राशि हमारे इस आयोजन हेतु सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऐसे दानदाता के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान प्रदान कीजिएगा। और आपके संगीत का क्या कहना, दिल हमारा छू गया, दिल हमारा छू गया आपका ये भक्ति संगीत बजाना। सीखे तो कोई आपसे सीखे ऐसी संगीत सजाना। आपके व्याख्यान से शामिल है राम की अमर कहानी है। शब्दों के आप सागर है गुरुवर, सरल आपकी वाणी है, सरल आपकी वाणी है, सरल आपकी वाणी है। ऐसे सरल भाव के संग हम सभी को आह्लादित एवं मंत्रमुग्ध करने का प्रयास कर रहे थे। आपके साथ ही आपका पावन उद्देश्य स्वांतम सुखाय तुलसी रघुनाथ दाता जी के पावन उद्देश्य लेकर जनमानस में निकल पड़े थे। बहुत ही प्यारा आपके उद्देश्य के साथ आपकी मंडली का जो वस्तुता है, आप सभी ने मंत्र मुक्त कर भली भांति परिचय दिया है कि स्वयंतम सुखाय रघुनाथ गाथा के इस पावन चरितार्थ को। और साथ ही हम सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहे हैं, हे शारदे बालिका मानस परिवार रंजीतपुर की बहनों को। आइए बहनों यह मंचन समय आपका है, स्नेह स्नेह राम दरबार की ओर अग्रसर होंगे। और हमारे संत जन कह गए हैं कि भविष्य के गर्भ में यह मन सजाने में कामयाब होते हैं तो आपका आना प्रार्थनीय एवं अनिवार्य रहेगा। इन्हीं भावनाओं के संग देना सके कुछ आपको, देना सके कुछ आपको है सखा मत होना नाराज। कुछ भूल चूक हुई हो हमसे रख लेना हमारे रामा भाठा वासियों की लाज, रख लेना रामा भाठा वासियों की लाज। इन्हीं भावनाओं के संग जिन आदर और सम्मान के साथ लीजिएगा वीडियो में जोरदार ताली के साथ सम्मान प्रदान कीजिएगा और लीजिएगा जिन आदर